तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है बिहार सरकार ICDS निदेशालय बिहार के द्वारा। संचिका संख्या 767 और डेट जो है 15 फरवरी 2021। आज ही कुछ मिनट पहले ये पत्र जारी हुआ है। अनुसरण पदाधिकारी ICDS निदेशालय से पत्र जारी हुआ है। पूरे बिहार की CDPO, पूरे बिहार के DPO के लिए पत्र जारी किया गया है। पत्र का विषय है आंगनबाड़ी केंद्र पर फरवरी माह का पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली के माध्यम से करने के संबंध में। देखिए, फरवरी 2021 के पोषाहार वितरण का जो भी काम होगा वो OTP से होगा, उसका करने का डेट आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए पत्र में लिखा गया है, महा से उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार टोकन प्रणाली के माध्यम से वितरण किया जा रहा है, जैसा कि आपको भी मालूम है। उसके बाद लिखा गया है, निर्देशानुसार आंगनवाड़ी केंद्रों पर माह फरवरी 2021 का पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली के माध्यम से दिनांक 15 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2021 तक पोषाहार वितरण किया जाना है। कहने का मतलब ये, देखिए लगभग 13 दिनों का डेट दिया गया है फरवरी महीने का पोषाहार वितरण का। 15 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक आप पोषाहार का वितरण कर सकते हैं। OTP फरवरी महीने का इस दिन तक काम करेगा। उसके बाद लिखा गया था, सभी LS एवं सेविकाओं को निर्देशित किया जाए कि टोकन प्रणाली सत्यापन के माध्यम से दिनांक 15 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक पोषाहार वितरण करना सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पर जो भी शिप्रा वर्मा ICDS के अनुसरण पदाधिकारी है, उनका सिग्नेचर है। डेट जो है 15 फरवरी 2021, क्योंकि कुछ मिनट पहले ये पत्र जारी हुआ है। तो ये नोट आप करके रख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर फरवरी का OTP का सत्यापन का डेट कब से आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेट तो आ चुका है 15 फरवरी से 28 फरवरी, लगभग शुरुआत में 13 से 14 दिन का टाइम दे दिया गया है। तो फरवरी का OTP जैसे ही मालूम होता है आप सत्यापन करना शुरू कर दीजिएगा। बाकी बचा कि फरवरी का OTP कब से मालूम होगा, तो फरवरी का OTP जब से ही मालूम होगा वेबसाइट से या फिर किसी भी और तरीके से, तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो बने रहिए चैनल पर, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।